हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू चैनल आउटडोर्स ब्लॉगर। जी हाँ, आउटडोर्स ब्लॉगर, क्योंकि हमारे चैनल का नाम टेक ब्लॉग स्टडी से चेंज हो गया हुआ है आउटडोर्स ब्लॉगर, लेकिन कंटेंट सेम ही रहेगा और हम ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। सो गाइस, इस बार हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खास जगह, चलो आपको दिखा दूँगा। सो गाइस, आज मैं आया हूँ कोलकाता के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव जगह जिसका नाम है नंदन, जहाँ पे 28 KIFF चल रहा है। KIFF मीन्स कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे 42 अलग अलग कंट्री के डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, फिल्म्स ऐसे बहुत सारे चल रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव होने वाले हैं। ये फिल्म फेस्टिवल 15 दिसंबर को चालू हुआ है और 22 दिसंबर तक चलेगा। सो गाइस, ये है नंदन का मेन गेट, हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे 4-5 तो गेट है और बॉलीवुड लेजेंड बिग बी हमारा स्वागत कर रहे हैं। #ILoveKIFF। इस KIFF का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था नेताजी इंडोर स्टेडियम पे 15 दिसंबर को, जहाँ पे आया था बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे लाइक शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और आए थे हमारे और आपके सबके फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। इस नंदन का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रविंद्र सदन। मीट द वर्ल्ड एट द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। एक्चुअली ये फिल्म फेस्टिवल होता है विश्व के अलग अलग देश के अलग अलग लैंग्वेज के बहुत सारे गिने चुने खास शॉर्ट फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो या फिल्म हो, उन सभी को एक साथ एक मेलबंधन किया जा सके, जहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर ना हो और जहाँ पे अलग अलग देश के, वहाँ के कल्चर, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ के लोग, वहाँ के हीरो, वहाँ के विलेन, वहाँ के भूत, वहाँ के इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर एक मेलबंधन किया जा सके, इसलिए ये फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जाता है दिसंबर महीने में। जैसे कि ये चार्ली चैपलिन के साथ साथ ओपू एक बंगाली कैरेक्टर है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो एक और अमिताभ बच्चन के साथ साथ क्यूबन हीरो टोनी मोंटाना। देख सकते हो गाइस, एक अलग ही मौसम है, चारों तरफ KIFF के फ्लैग से बांधा गया है। जो लोग फिल्म्स देखना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। देख सकते हो एक अलग ही माहौल है। और सामने है रविंद्र सदन, जहाँ पे थिएटर शोज होता है। यहाँ पे पश्चिम बांग्ला एकेडमी नाम का एक और हॉल है, जहाँ पे थिएटर का शो चलता है। और उसके ठीक ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बुक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राइटर के अलग अलग टाइप के फिल्म रिलेटेड बहुत सारे बुक्स आप लोगों को मिल जाएगा। देख सकते हो सत्यजीत राय का और रविंद्रनाथ, प्रफुल्ल चंद्र, अवनींद्रनाथ जैसे फेमस राइटर्स के। और इसी बीच टॉलीवुड के एक एक्टर से मुलाकात हो गया है। ये है नंदन का सिनेमा हॉल, जहाँ पे पूरा साल फिल्म चलता है।
और अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे टिकट का प्राइस दूसरे सिनेमा हॉल के टिकट प्राइस से थोड़ा कम ही है। यहाँ पे सिने अड्डा नाम का एक शो हो रहा है, जहाँ पे कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, सिंगर लोग आए हुए हैं, तो उनसे आप लोगों को मुलाकात करवाने वाले हैं। तो चलो गाइस। चलो गाइस, अभी आप लोगों को एक बहुत ही खास जगह ले जाता हूँ। सुर बड़ा होता है या उसके गायक बड़ा होता है, इसको लेके एक डिबेट सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल के कुछ बड़े बड़े सिंगर लोग यहाँ पे आए हैं और अपना विचार रख रहे हैं और हमें गाना सुना के एंटरटेन कर रहे हैं। तो चलिए कुछ सिंगरों का गाना सुन लेते हैं। वेस्ट बंगाल में भूमि नाम का एक फेमस बैंड है, जिसके एक मुख्य सिंगर है सुरजीत चटर्जी, जो कि अभी स्टेज से बात कर रहे हैं। আমিও তো যুজের মধ্যে পারবো না, যেরকম ভাবে একদম মানে পরিষ্কার একটা অনুষ্ঠানই আপনাদের সামনে করে দিয়ে চলে গেল, এবং আমাকে ভাবতে হচ্ছে এরপর আমি গাইলে আমি কী করবো, আমি বসে বসে ভাবছি যখন গাইছে। আর ইয়ে হে ওয়েস্ট বেঙ্গল কা ফেমাস সিঙ্গার মিস জোজো। আর ইয়ে হে মিস্টার সুরজিৎ চ্যাটার্জি, সিঙ্গার কাম রাইটার, মাল্টি ট্যালেন্টেড। আর ইয়ে হে আমার এক বহুত হি পছন্দিদা সিঙ্গার লগ্নজিতা চক্রবর্তী। और ये है एक और बहुत ही फेमस सिंगर अन्नेशा, जो कि बंगाली, हिंदी, तमिल, मराठी और भी बहुत सारे भाषाओं में प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो अपने पसंदीदा सिंगर का गाना सुनने के लिए और उनको एक झलक देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा क्राउड जम गया है। So guys, hope you guys enjoyed this vlog and see you in the next vlog, and tab tak ke liye alvida, jai hind।